हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आप तो ठीक है, लेकिन आज मैं सही नहीं हूँ। मेरा सिर थोड़ा भारी हो रहा है और इसलिए आज मेरी वीडियो भी लेट हो गई है। आपको बताओ, 9:45 बज रहा है यार। मैं बैठी हूँ, मैं 8 बजे से बनानी शुरू कर देती हूँ। 1.5 घंटे एडिटिंग में लगता है, 10 बजे तक पब्लिश हो जाती है, लेकिन आज लेट हो गई। मैं सिर भारी हो रहा है, सिर पर इसलिए बने आज कपड़ा बांध लिया। सुन, जवान औरत किसे काली मैना को कह रही हूँ, जवान औरत, तूने 10,000 रुपया काली को दिया है और 10,000 रुपया तूने काली को दिया है वो बर्थडे सेलिब्रेशन कर रहा है। तूने जो अपनी दुकान सेल की है ना, वो जो तू रेहाना बॉस को दे रही थी, है ना, मौज ले ले अभी, है ना। वो पैसा अभी तेरे पास है, जितना चाहे उतना मौज ले ले। पहले के मैंने तेरी सफ़ेद साड़ी वाली जो सना खान ने, सना इमरान ने कहा था कि सफ़ेद साड़ी वाली फ़ोटो देखो, वो वीडियो देखो, वो वीडियो मैंने तेरी देखी और उस वीडियो में तू क्या कह रही है कि मैं इस जन्म में तो काले के साथ आऊँगी नहीं, मैं उसके ऊपर थूकूंगी भी नहीं। और तू कहता था कि मेरे यहाँ जो काले के लिए कहा है तूने, कि जो मेरे यहाँ काम वाली थी उस काम वाली के साथ मेरे बाप का था, मेरे बाप 10-10 औरतों को रखता था, तो तू उसकी औलाद है, सोच। और तेरी काले, तू उस बाप की औलाद है इसलिए तू इतना गंदा है, तो सोच तेरी औलाद कितनी गंदी होगी जो आज उस बेटे को बड़ी बड़ी बातें करती है अंजुम के लिए। उस अंजुम को इसने कहा है कि तेरी औलाद कितनी गंदी होगी, तेरा बेटा कितना गंदा है, तेरा बेटा तो हराम का है, इतना तक तूने उसको कहा है, उसके लड़के को, उस वीडियो में। तो तेरी ये मेंटलिटी है। और बताऊँ, तूने एक बात और कही है कि तूने 16 लाख अपनी ज्वेलरी बेच के रेहाना बोस का पैसा देने के लिए कहा था। रेहाना बोस का पैसा भी नहीं गया उसका वापस, वो 16 लाख और रेहाना बोस का 15 लाख रुपया मिला के इसने जो किया है ना काले ने, जो सबको दिख रहा है, फ्लैट अभी लिया है, पहले फ्लैट नहीं था, फ्लैट अभी लिया है कोई ऐसे ही। और ये फ्लैट काली मैना को सब पता है, सब मालूम है। और ये कहीं ना कहीं इस फैमिली को भरे चौराहे पे नंगा करने आई है, इतना मैं समझ लेती हूँ। सब पता है, अगर इसने सब कुछ जान के भी, सब कुछ पता हो के भी काले को एक्सेप्ट किया है तो मैं समझती हूँ इससे बेकार औरत कोई नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी अपनी इज्जत होती है ना, सबसे बड़ी अपनी इज्जत होती है। और जिस इंसान को अपनी इज्जत प्यारी नहीं होती, वो इंसान एक मुर्दे के बराबर होता है कि कोई भी आया और लात मार कर चला गया। मैं तो ये समझती हूँ, मैंने अपने बच्चों को भी यही सिखाया है, जहाँ इग्निटी पे बात आए वो रास्ता बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, क्योंकि एक बार ठोकर लगती है, 2 बार ठोकर लगती है, 3 बार ठोकर लगती है, और जब बार बार ठोकरें लगती है और इंसान को समझ में नहीं आता तो समझ लो वो इंसान बहुत बड़ा बेवकूफ़ है। बेटी को विदा करते हुए मैंने ये शब्द कहे थे कि तेरे परिवार वाले बहुत अच्छे हैं, जान इतने टाइम से तू उन्हें जानती है, सब बात है, लेकिन अगर तेरी इग्निटी पे बात आए, तेरी बात उस पे, तेरी किसी भी इज्जत पे तुझे लगे कि मेरी इज्जत पे बात आ रही है या मेरी जान पे बात आ रही है या मेरी इग्निटी पे बात आ रही है, तो बेटा मैंने तुझे इतना मजबूत कर दिया है तो तू उनको मुंह तोड़ जवाब दे सकती है और पीछे से मैं तेरे साथ खड़ी हूँ। बाकी हर रिश्ता, हर चीज़, हर अच्छे से निभाना। और भगवान की कृपा से 1.5 साल शादी को हो गया है, इतनी सी शिकायत मेरी लड़की की नहीं आई। हस्बैंड जॉब है उसकी, आईटी कंपनी में जॉब करती है, घर पे ही करती है, वर्क फ्रॉम होम, ऑफिस हफ्ते में एक दिन जाती है मंडे को, लेकिन आपको बताऊँ हस्बैंड के लिए एक पैर से खड़ी रहती है, अपने परिवार के लिए एक पैर से खड़ी रहती है। अगर मुझे कोई बात भी बुरी लगती है तो मम्मी समझा देती है, मम्मी कि आप कभी मुझे नहीं डांटते थे, क्या आप मुझे कभी नहीं गलत कहते थे, आप भी तो कहते थे ना, अगर ये कभी कुछ कह देते हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि मम्मी मुझे इनके साथ तो ज़िंदगी काटनी है, और ये मुझे अगर कुछ कहते हैं तो क्या बात हो गई, मेरी गलती पर कहते हैं, हैं, और मुझे प्यार भी तो खड़े खड़े 15-10, 10-15, 15-20 हज़ार नहीं खर्च कर देते हैं मेरे, तो यही बात होती है ना। तो अपनी इज्जत अगर प्यारी है इंसान को, और वो समझ लीजिए बार बार वो देख रहा है कि यहाँ मुझे, मेरे साथ गलत हो रहा है ना,
तो वो जगह इंसान को त्याग देनी चाहिए, वो उन इंसानों से आपको दूर हो जाना चाहिए, उन इंसानों के साथ आपको नहीं रहना चाहिए। तो मैं इस औरत को यही कहूँगी कि इतनी बड़ी बातें, तेरा जेवर चोरी, तेरा पैसा सब कुछ वो ले जा चुका, उसके बावजूद भी अगर तू अब उसके साथ है और तुझे लगता है कि मैं इसके साथ खुश रहूँगी, ये बहुत बड़ी गलती है, समझे। और तो कह रही ना कि उसने मुझे केक ला के दिया, मेरी आंखों से पानी आ गया। वो क्यों आ गया पता, वजह है क्योंकि तेरे बच्चों ने तुझे कभी अपनी कमाई से कोई चीज़ ला कर शायद मुझे लगता दी नहीं, अगर देते हैं ना तो एक आदत हो जाती है कि हमारे साथ तो हमारे बच्चे भी ऐसे ही करते हैं। और किसी इंसान के साथ अगर पहली बार कुछ अच्छा होता है तो आदमी भावुक हो ही जाता है, इंसान भावुक हो ही जाता है, ऐसे ही तू शायद हो गई होगी, है ना। तो तू सोच कितनी बदनसीब है तू, काला चाहे गलत करा, बुरा करा, उसने तुझे करा, तेरे साथ नाच रहा है, तेरे साथ सब कुछ कर रहा है, पैसा ले रहा है तुझसे, किसके लिए, अपनी औलाद के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए ले रहा है। काली मैना शीला बाई तेरी समझ में नहीं आ रहा, कहाँ से आएगा, औरत प्यार की भूखी होती है, कहाँ से आएगा। वो तुझे यूज़ कर रहा है अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए वो तुझे यूज़ कर रहा है, तू समझ या मत समझ इस बात को, समझे। और अभी कुछ नहीं पता कि तू सूरत कितने दिन रुकेगी, क्यों, क्योंकि तुझे रेहाना बॉस का बहुत बड़ा डर है। मैं डालूंगी वीडियो, उन्होंने रेहाना बॉस ने क्या कहा है देखना, वो तुझे मारेंगी, वाकई में मारेंगी, उन्होंने कह दिया है, कसम खा ली है। तो इसलिए सोचो समझो ना बोलो, उसके बाद बोलो तुझे वहीं रहना है। देख बैकग्राउंड तेरी मजबूत नहीं है, तू समझ या मत समझ इस बात को। और देखो जो बनता वो खाड़ ले, मेरा जो करना है कर ले, वन मन शो बोल, जब भी बोल, मैं तेरे को अभी भी बोलती चैलेंज करती हूँ, अपनी माँ का नाम नहीं लगाना तेरे को छोड़ूंगी नहीं बेटा, बस भरे बीच में लंगा करके मारूंगी, और ये वादा मेरा मारूंगी मैं तेरे को, जो बनता हो कर ले। पपैया बैठ जा, मुंह बना के दबा के बैठ जा अपनी, समझी, ज़्यादा उछल मत, मुंह खुल जाएगा, तेरे से ज़्यादा मुंह मेरा भी है, समझी, कि एक इज्जत को मर रहे अपन, क्योंकि इज्जतदार लोग अपने को चाहते, तेरे से लंगे लोग नहीं रहे अपन, तू तो कीचड़ में पत्थर मार, तो कीचड़ अपने पड़ेगा, तेरा नाम है गचकरण, गचकरण, और रही ना रंडी, मेरे पैर को कुछ नहीं बता रहे, गचकरण रांड पारस रोड की रंडी वेशा। बताओ ये जो सूरत वाला घर है ना, इसे घर कहते हैं, इसमें कितनी चहल पहल है, इसमें बच्चे कितने खुश हैं, चाहे कम है लेकिन उसमें भी खुश है, एक हंसी खुशी का माहौल है, उसे इसे घर कहते हैं। और जो तेरा घर, तेरा बॉम्बे वाला घर है ना, उसे मकान कहते हैं, वो तेरा मकान है, उसे उसमें अच्छा नहीं लगता, उसमें केवल लोग काम सोने के लिए आते हैं, बाकी काम के लिए चले जाते हैं, तू भी दिन भर के लिए निकल जाती है, बाजार का ला के खा लेते हैं, वो है मकान। और ये सूरत वाला घर जो है, इसे घर कहते हैं, समझ में आई। और वो क्या कहते हैं, आजा मेरे बाल बना दे जुबेरिया, आजा, बाल नहीं बनाए उसने तेरे, जो तू टूटे वाले बाल बनाती है ना साइड से, वो बोले मेरे बाल बना दे, नहीं बनाए उसने तेरे बाल आगे, क्योंकि वो कैमरे में अब वो लोग आना नहीं चाहते, वो ज़्यादा चेहरा नहीं दिखा रहे, वो कम दिखा रहे हैं, क्योंकि वो पारिवारिक लोग हैं, पारिवारिक फैमिली है, समझे। जी हाँ, जो पारिवारिक फैमिली होती है, कम लोग ही अपने अपने को, हर आदमी का कैमरे के आगे कंफर्टेबल नहीं होता, जैसे मेरी बहू बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है कैमरे के आगे, नहीं लगता, और मना कर दिया बेटे ने साहब कि मम्मी ठीक है आप बनाओ, आप फैमिली को नहीं लाना है। अब बात ऐसी नहीं है, उस दिन लेटा था मेरे पास, कभी कभी तो मौका मिलता है कि आके मेरे पास बैठ जाता है थोड़ी बहुत देर के लिए, तो मैं वीडियो बनानी भूल गई, मुझे बाद में ध्यान आया यार लेटा था कि मेरे पास, इतनी देर मेरे से बातें करता रहा, मैं वीडियो बना लेती, थोड़ा सा पब्लिक को दिखा देती कि ये मेरा बेटा है, चलो आगे मैं ध्यान रखा था, मैं दिखाऊंगी ज़रूर, क्योंकि मैं बता रही हूँ ना कि मुझे मिले मिले उस 8-10 दिन हो जाते हैं, मैं भी शायद उसके घर, अब मेरे यहाँ थोड़ा सा छोटा सा बच्चा है, वो
पीहू है हमारी बेटे की बेटी, तो उसमें उससे मुझे रौनक हो जाती है। जैसे मैं आती हूँ एकदम से भाग के आती है, अम्मा 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 आ गई, अम्मा आ गई, तो उससे बच्चे से रौनक होती है घर में। तो देखिए हर यही मैं कह रही हूँ कि हर कोई अब उसमें कैमरे के आगे कंफर्टेबल नहीं होता है ना, और ज़बरदस्ती किसी को लाओ तो फिर वो अजीब सा लगता है ना, और दिखाई नहीं रहा अपने को, वो तो बोबला कभी कभी घुमा देता है। और वो बर्थडे पार्टी दिखाई ना, बोबले की हंसी वो बोबला हंस कैसे रहा, कितनी अजीब सा लग रहा था जब वो फ़ोन कर रही थी, मतलब वैसे ही फ़ोन कर रही थी कि मैं अपने हस्बैंड को फ़ोन कर रही हूँ, काला उधर खड़ा था, तो मतलब किस तरीके से हंसना, कितना खतरनाक था, कैसा हंसी, क्या हंसी थी वो, क्या था वो, ऐसा लग रहा था जैसे गंधा रहमता है, गंधा जब रहमता है ना, अजीब सा कुछ, मतलब मुझे देख मैं एकदम से मैं कन्फ्यूज़ हो गई, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, क्योंकि वो हंसी की आवाज़ तो थी नहीं। फिर मैंने जब गौर किया, मैंने क्या जब वो बोला तो मैंने कहा ये बोबले की हंसी है, लंगूर की हंसी, तोतले की हंसी है ना। तो लोग कुछ भी कह देते हैं, क्या कह देते हैं समझ में नहीं आता है ना। और देखिए कल वीडियो में एक बात कह रहा था, अपनी लाइव में कह रहा था काला कि इसने, काली मैना के लिए कह रहा था कि इसने अपनी बहन के घर पे, इसने उसे बोबले को बुला कर कहा था कि तू मेरे पेट में था तो मुझसे सत्तानी के साथ मेरे से गलती हो गई थी, उस गलती को सुधारने के लिए मैं काले से शादी कर रही हूँ। बोबले से इसने ये बात कही थी, है बेटा इसलिए मुझे ये शादी करनी पड़ रही है, ऐसा लिखा है। तो इसने शादी करी, इसके पूरे परिवार को, इसकी बहन को, इसके भाई हैं, जो भी कुछ हैं, जो बहनें हैं, रिश्ते हैं इसके, मौसी खाला सबको ये बात पता है, इसलिए इससे कोई रखता नहीं है, इसलिए इससे कोई संबंध नहीं रखता, ये बात सबको मालूम है कि इसने ये बात बुला के बोबले से कही थी, और तब इसने काली के साथ रहना शुरू कर दिया। शादी तो ये क्या करती, समझे। और इसने, मैंने कल वो मतलब वीडियो देखी ना इसकी, तो मैंने बहुत लेट नाइट सोई हूँ मैं कल, तो उसमें इसने मतलब क्या करूँ मैं, ऐसी ऐसी बातें डाली हैं, मैं डाउनलोड करके डालती तो मैं आवाज़ तो उसकी नहीं डाल सकती थी, तो डाउनलोड करने का भी कोई फ़ायदा नहीं था, वो वीडियो डालने का भी कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि उसकी आवाज़ आपको बताऊँ मैं, एक साल पहले की, 10 महीने पहले की वीडियो है, और वो इसने सफ़ेद साड़ी में बनाई है, एंड में इसने सफ़ेद साड़ी पहन रखी है एंड की क्लिप में। तो वो वीडियो अगर आप चाहो तो देखो, नहीं तो मैं तुम्हें बता रही हूँ यही बात, क्योंकि कल सना इमरान ने बात कही थी तो वो मैंने देखी, और देख के वो वीडियो खुद ही सामने आ रही है। वैसे जो लोग इसे देखते हैं वो देखो इसने कैसी कैसी बातें काले को कही हैं, और इसने काले ने इसे कैसी कैसी कही हैं, काले की भी आ रही है लाइव सामने, मैंने देखी। तो अगर मैं कहती हूँ ना कि आदमी को ठोकर लगे, चलो नहीं समझा, फिर ठोकर लगे, चलो नहीं, फिर जब तीसरी ठोकर लगती है ना वो ठोकरे होते हैं, आदमी जब भी नहीं समझता तो समझ लो वो बेकार है। और जहाँ इंसान की बेइज्जती हो रही है, और लेना एक ना देना दो, वो रास्ता इंसान को छोड़ देना चाहिए। मेरी राय में तो यही है, मैंने आज तक यही ज़िंदगी में सीखा है, अपने आप से, कुछ लोगों से, कि अगर सामने वाले को समझा समझा के भी समझ में नहीं आ रहा तो वो रास्ता बिल्कुल हटा दो, वो रास्ता बिल्कुल छोड़ दो। बस आज थोड़ी तबीयत ऐसी है मेरी, हल्की सही नहीं है, चलो ठीक है, सिर भारी है मेरा। मैं कल कह रही ना मैं भीग गई हूँ, कल आ रही थी तो बहुत तेज़ बारिश थी, तो मेरा सिर भारी है, ठीक है। फिर आज मेरी बात जो मैं एकदम मजबूती तरीके से, तेज़ तरीके से बात करती हूँ, वो आवाज़ में आज मेरी जान आपको दिख नहीं रही ना, होता है कभी कभी ये ज़िंदगी है ना। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि खुशी आपको अगर इतनी सी चीज़ें मिल रही है और इतने में नहीं मिल रही, तो वो इतनी चीज़ को छोड़ दो, आप इतनी सी पकड़ो, ज़िंदगी है, खुशी से जियो, अच्छे से जियो, बढ़िया से जियो। अगर आपको बार बार कोई गिराना चाहता है सामने वाला, और वो अगर इसमें खुश है,
आपको गिराने में, तो आप गिर जाओ उसकी खुशी के लिए और गिर के फिर पीछे लौट जाओ, उस रास्ते पे मत चलो। लेकिन ये नहीं पता जब फिर ऊपर वाला उसे गिराता है तो वो कहीं का नहीं रहता। ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं है, इंसान समझता नहीं है, बीमारियों से जूझा हुआ होता है, हर बात से अपने बच्चे होते हैं लेकिन फिर भी बच्चों की तरफ से कोई नहीं, किसी ना किसी टेंशन में वो रहता है क्योंकि वो ऊपर वाले की मार होती है। लेकिन इंसान मानता नहीं है, समझता नहीं है, वो सामने वाले को गिराने की ही कोशिश करता है और सामने वाला गिर के खुश हो जाता है कि चल तूने मुझे गिराया कोई बात नहीं, लेकिन तुझे ऊपर वाला जब गिराएगा ना तो तू मुँह के बल गिरेगा, मुँह के बल गिरेगा और तुझे कोई उठाने वाला नहीं होगा। हाँ तू ले, क्योंकि तूने हमें गिराया तो हम इस काबिल थे कि हम उठ के खड़े हो गए और हम उस रास्ते को छोड़ के वापिस चले गए, लेकिन तुझे ऊपर वाला उस जगह गिराएगा कि तुझे कोई उठाने वाला नहीं होगा। बस मैं आज के लिए मेरा इतना ही, मिलती हूँ आपको अच्छी वीडियो के साथ, अच्छे दिन के साथ, अच्छी शुरुआत के साथ। शायद कल तक मेरा थोड़ा सही हो जाए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर मुझे। ओके।